नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। जी हां, सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव शाम में बीजेपी के नेताओं के घर गुलदस्ते लेके जाते हैं। वही अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर ने। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर कहा कि वो अपने चाचा की कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है। आइए आपको बताते हैं ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसीलिए सपा की लिस्ट पर ओपी राजभर का बड़ा दावा। सपा की पहले लिस्ट पर अन्य दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। लिस्ट को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को इज्जत नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं सपा इस कैंडिडेट लिस्ट पर सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा दाव बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस उनसे अलग हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के लोग रात में बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ गुलदस्ता देते हैं, शिवपाल यादव को टिकट नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि गठबंधन टूट जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को तो टिकट दे दिया, लेकिन चाचा और उनके बेटे का कोई जिक्र नहीं। हेमंत सोरेन को लेकर कही ये बात। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ और लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर जांच के मामले में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां जांच करना चाहती हैं तो उनको काम करने दिया जाए, अगर कोई निर्दोष है तो वो भी पता चल जाएगा और दोषी होगा तो उसे सजा हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर भी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए।